हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रोजगार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके मैं देखना, फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगी क्या एक लेटेस्ट अपडेट आई। आइए चलते हैं वीडियो पर। इसमें जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी और वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। आइए देखते हैं फुल प्रोसेस। इसमें आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपने unorgworker.edisa.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस पर आपने यहाँ पर अपने अपने फैमिली आईडी लिखनी है। फैमिली आईडी लिखने के बाद सर्च बटन, जो रेड बटन है, इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको फैमिली आईडी याद नहीं है तो आप नीचे ब्लू कलर में दिखाया गया लाइन डोंट नो योर परिवार पहचान पत्र, आप अपनी फैमिली आईडी है वो सर्च कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। फैमिली आईडी है वो सर्च करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आया है सिलेक्ट मेंबर टू बी रजिस्टर्ड। जो भी मेंबर आपने रजिस्टर्ड है या पहले से या रजिस्टर्ड करना है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उनमें से जितने भी आपके मेंबर है फैमिली आईडी में उनके नाम दिखाए जाएंगे। आपको उनमें से जिसका रजिस्ट्रेशन करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मोबाइल नंबर आपका फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी को आपने वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपकी मेंबर की डिटेल दिखाई जाएगी। दिखाने के बाद वहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह आपके पहले से ही उसमें दिखाई देंगे। उसमें आपने ये भरना है कि आप क्या काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टैक्सी चलाते हैं या और कुछ, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं या मज़दूर हैं आप किसी चीज़ में, उसमें अलग अलग वगैरह वगैरह कई चीज़ें बताई जाएगी। आप उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आप काम करते हैं। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद जो भी काम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो उनमें आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, वो रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर दिया जाएगा और आपके बैंक खाते में अगर ये सरकार के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है तो आपके खाते में 5,000 की जो राशि आपके बैंक खाते में डाल दी जाएगी फ्रेंड्स, जो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है फ्रेंड्स सहायता। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।